नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बात करेंगे खबरों की। कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने खबरों का नहीं किया खंडन। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया तो अखिलेश यादव ने खबरों का नहीं किया खंडन। तेज प्रताप यादव की जगह अखिलेश लड़ेंगे चुनाव। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो अखिलेश से जब मीडिया ने बातचीत करनी चाहिए, सवाल पूछा, तो अखिलेश ने साफ तौर पर कहा कि नॉमिनेशन होगा तो आपको पता चल जाएगा। इस चुनाव में बीजेपी इतिहास बन जाएगी। अखिलेश ने सीधे तौर पर बीजेपी सांसद की चुनौती को ललकारा है। जनता ने मन बना लिया है। ये तमाम बयान अखिलेश यादव ने दिए हैं। लेकिन कन्नौज के नॉमिनेशन को लेकर, कन्नौज सीट से समाजवादी पार्टी की दावेदारी को लेकर अभी भी साफ साफ कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। कहीं ना कहीं इसे एक इशारा माना जा रहा है। जिस तरह से अखिलेश यादव का यह बयान सामने आया है कि जब नॉमिनेशन होगा तब आपको पता चल जाएगा, इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि अखिलेश यादव चुनावी मैदान में, कन्नौज के मैदान में कूद सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी है कि नामांकन पत्र भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा खरीदा गया है। कन्नौज से चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्या लगता है कि क्या तेज प्रताप लड़ेंगे या आप भी कहीं से फिर लड़ेंगे? देखिए, जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा। जी भाई, अरे तुम रोल करो। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा कौन है यार, और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आपको चुनाव भाई बाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, उससे ज्यादा जनता ने मन बनाया है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस से बन के आ रहा है जी, और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। एनडीए को पीडीए हराएगा। तो कन्नौज सीट से समाजवादी पार्टी की दावेदारी को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की बात अभी तक सामने आ रही थी। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव मीडिया को बयान देते हुए सामने आए हैं, इससे कहीं ना कहीं तस्वीर अब साफ होती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर अखिलेश का यह कहना है कि नॉमिनेशन होगा तो पता चल जाएगा। इसी बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेज प्रताप यादव के टिकट को लेकर बादल संकट में है, और ऐसे में आखिरी टाइम पर अखिलेश यादव अगर कन्नौज की सीट से नॉमिनेशन कर देते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरह से इशारा करते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं। तो साफ तौर पर कन्नौज सीट को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था। समाजवादी पार्टी की तमाम सीटों की बात की जाए, चाहे मुरादाबाद की, रामपुर की या मेरठ सीट की बात की जाए, तो लगातार जिस तरह से प्रत्याशियों पर प्रत्याशी बदलते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी में अलग अलग खेमे में पक रही अलग अलग खिचड़ी को लेकर अब लगातार बातचीत जरूर होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता स्तर के जो तमाम नेता है, उनका साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कन्नौज से आखिर कौन चुनाव लड़ता है, और जब अखिलेश यादव कन्नौज से नामांकन भरते हुए नजर आएंगे तो तेज प्रताप यादव और उनके समर्थकों और साथ ही साथ परिवार में क्या कुछ देखने को मिलता है, तो आने वाला समय बताएगा। थोड़ा सा और इंतजार उम्मीद ये की जा रही है कि आज शाम तक या 26 अप्रैल तक ऐलान हो सकता है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। राम गोपाल यादव का बड़ा बयान, कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। कल नामांकन दाखिल करेंगे अखिलेश यादव। तो जिस बात को लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार था, उस सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है। कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, कल नामांकन दाखिल करेंगे अखिलेश यादव। कल दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे अखिलेश यादव। तो कन्नौज सीट को लेकर अभी तक जो पेच फंसा हुआ था, तेज प्रताप यादव का नाम का ऐलान पहले किया जाता है और उसके ठीक एक दिन बाद अखिलेश यादव का नाम सामने आता है। अब ऐसे में कन्नौज की सीट पर यह फेरबदल किसके इशारों पर किया जा रहा है, क्या वजह है जो अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं? पहले रामपुर सीट से भी तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के मैदान में उतरने की बात कर रहे थे, लेकिन
वो बात सच नहीं हुई थी। ऐसे में अब कन्नौज की सीट को लेकर अखिलेश यादव आखिरकार 2024 के चुनावी रण में कूद चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक पहले ही अखिलेश यादव को चुनौती दे चुके हैं और इसमें बात प्रतिवार और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी अखिलेश यादव के नामांकन दाखिल करने से पहले ही शुरू हो चुका है। तो कल दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे अखिलेश यादव। रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। तो जिस तरह से रामगोपाल यादव का बयान सामने आया है, ऐसे में अब ये तस्वीर पूरी तरह से आईने की तरह साफ होती हुई नजर आ रही है कि कन्नौज से समाजवादी पार्टी के दावेदार होंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में कन्नौज सीट को लेकर अब मुकाबला टक्कर का देखने को मिलेगा। इससे पहले पिछली बार डिंपल यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ी थी और डिंपल यादव कन्नौज सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक के द्वारा हार का उन्हें सामना करना पड़ेगा पड़ा था। ऐसे में इस बार जब अखिलेश यादव मैदान में होंगे तो मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। देखना यह होगा कि कन्नौज की ये सीट आखिरकार इस कांटे के मुकाबले के बाद किसकी झोली में जाती है। हालांकि समाजवादी पार्टी का हमेशा से ये गढ़ रहा है, शायद यही वजह है कि अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करने वाले अखिलेश यादव कन्नौज सीट से ही उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। एक बार फिर से कन्नौज की जनता के सामने होंगे, कन्नौज से मैदान में होंगे। समाजवादी पार्टी का इसे गढ़ भी माना जाता है। डिंपल यादव के चुनाव हारने के इतर समाजवादी पार्टी का हमेशा ही सीट पर वर्चस्व रहा है। समाजवादी पार्टी के तमाम उम्मीदवार और अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी के दिग्गज इस सीट से लगातार चुनकर संसद पहुंचते रहे हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव के नामांकन को लेकर रामगोपाल वर्मा ने अब बयान दिया है, ये साफ किया है कि कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव ही होंगे उम्मीदवार। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता रमन मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। जी रमन, जिस तरह से अखिलेश यादव को लेकर अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है, कन्नौज सीट से कल नामांकन कर रहे हैं अखिलेश यादव। बिल्कुल प्रियंका, जैसा कि पहले से ही चर्चा थी कि अखिलेश यादव कन्नौज से प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन तमाम कयास के उस अटकलों पर उसमें विराम लग गया था जब अखिलेश यादव ने दो दिन पहले वहां से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को सपा का प्रत्याशी घोषित किया था। लेकिन उसके बाद में मंगलवार को वहां कन्नौज से प्रतिनिधि मंडल आया सपा का और उसने अखिलेश यादव को इस बात से राजी किया कि वहां की जनता तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है और ना ही संगठन वहां का चाहता है कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरीके से 2019 में डिंपल यादव को हार का सामना करना पड़ा था, सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को चुनाव हराया था, जबकि कन्नौज की सीट सपा की भूमि मानी जाती है, सपा का किला माना जाता था, लेकिन उसे सुब्रत पाठक ने दहा दिया था। ऐसे में माना जा रहा था कि डिंपल यादव के मैनपुरी जाने के बाद में अगर कोई कन्नौज में सपा का किला बचा कर रखेगा तो अखिलेश यादव रखेंगे, लेकिन अखिलेश यादव क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, ऐसे में वह उत्तर प्रदेश छोड़कर लोकसभा में जाने की उनकी कोई योजना नहीं थी, जैसा इसलिए अखिलेश यादव मैदान में उतर नहीं रहे थे। लेकिन अब क्योंकि वहां के नेताओं का वहां का जो संगठन है उसका दबाव है, इसके चलते अखिलेश यादव अब वहां से चुनाव लड़ सकते हैं और लगभग एक निजी चैनल पर जो पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव, उन्होंने एक निजी चैनल पे ये बयान देते हुए साफ कर दिया है कि कल गुरुवार को अखिलेश यादव कन्नौज से नामांकन भरेंगे और अखिलेश यादव कन्नौज के मैदान में ताल ठोकेंगे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से अखिलेश यादव को लेकर अब नाम और तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है, तेज प्रताप यादव और साथ ही साथ उनके समर्थकों की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी में अब क्या कुछ देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? बिल्कुल, अखिलेश यादव के जाने से जो जोश होगा वो कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का हाई हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जाना और वहां पे चुनाव लड़ना अपने आप में वहां पर बड़ी बात होगी और कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को भी इससे कहीं ना कहीं साहस और बड़ा बल
मिलेगा। आपको बता दें हालांकि सुब्रत पाठक का भी हाल ही में बयान आया है, उनका कहना था, मैं तो पहले से कह रहा था कि अखिलेश यादव खुद आए कन्नौज के मैदान में, क्योंकि अगर वो सफाई से भी किसी को भेजते हैं तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसे में तेज प्रताप यादव को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन वहां पर बात नहीं बन पाई और अखिलेश यादव खुद अब मैदान में है, जिसके चलते सपा का जोश वहां पर हाई। जी बिल्कुल रमन, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव की एंट्री हुई है कन्नौज के मैदान में, तेज प्रताप यादव के पहले नाम का ऐलान किया जाता है और उसके ठीक एक दिन के बाद अखिलेश यादव के नामांकन को लेकर खबर जानकारी निकलकर सामने आती है। अगर अखिलेश यादव को कन्नौज के मैदान में उतरना ही था तो फिर तेज प्रताप यादव के नाम का ऐलान क्यों किया गया? बिल्कुल यही जो बात है, इसको लेकर अभी चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि शुरू से अखिलेश यादव के गोलमोल जो जब चर्चा होती थी कन्नौज से अखिलेश यादव लड़ रहे कि नहीं, तो अखिलेश यादव उस पर गोलमोल जवाब देते थे, लेकिन जब उन्होंने तेज प्रताप यादव को घोषित कर दिया उसके बाद में फिर अखिलेश जो 48 घंटे के अंदर अखिलेश यादव का फिर से अब मैदान में कूदने की जो खबर आ रही है वो कहीं ना कहीं इस बात को क्लियर कर रही है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ने को लेकर कंफ्यूज है कि वो चुनाव लड़े कि ना लड़े, वह दिल्ली की राजनीति करें या फिर प्रदेश में ही नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका निभा रहे हैं उसको ही निभाएं। हालांकि जैसा कि कांग्रेस और सपा का यहां पे अलायंस है और चर्चा चल रही है कि वायनाड में चुनाव होने के बाद में राहुल गांधी अमेठी से नामांकन करेंगे और अमेठी से वह इस बार भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में और जो सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, अगर वो भी कन्नौज से कल नामांकन कर देते हैं और राहुल गांधी भी अगर नामांकन अमेठी से कर देते हैं तो उत्तर प्रदेश की सियासत में जो है वो विपक्ष को कहीं ना कहीं खाद का काम करेगा और इससे जो विपक्ष की राजनीति है वो कहीं ना कहीं भाजपा को जंट पहुंचा सकती है, क्योंकि दोनों अपने पार्टी के शीर्ष नेता हैं और ऐसे में अगर दोनों चुनावी मैदान में आते हैं तो कई सीटों पर वो प्रभाव डाल सकते हैं। जी बिल्कुल रमन, तो अखिलेश यादव के नामांकन के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को लेकर नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन सुब्रत पाठक जिस तरह से अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए नजर आए थे और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है, क्या लग रहा है आपको इस सीट पर अब मुकाबला कितना कांटे को देखने को मिलेगा और कितनी दिलचस्प जंग होगी? बिल्कुल, कन्नौज भले ही सपा का किला रही है लेकिन 2014 से वहां पे जो लड़ाई है वो काफी टक्कर की हो रही है। 2014 में सुब्रत पाठक और डिंपल यादव के बीच में कांटे की लड़ाई हुई थी, हालांकि बाजी डिंपल यादव ने कुछ चोटों से मार ली थी और 2019 में भी कांटे की टक्कर हुई और लेकिन उस बार डिंपल यादव चुनाव हार गई और सुब्रत पाठक ने बाजी मार ली थी। ऐसे में दो चुनाव जो है मोदी लहर वाले उसमें भी दिलचस्प लड़ाई देखने को मिली थी और अब जब अखिलेश यादव खुद वहां पे प्रत्याशी होंगे तो क्लियर है कि चुनाव जो वहां होगा वहां कांटे की लड़ाई होगी, क्योंकि सुब्रत पाठक वहां का सिटिंग सांसद है तो अखिलेश यादव के पास कन्नौज में सपा की विरासत है और वह खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ऐसे में जो लड़ाई है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और कन्नौज की सीट अपने आप में बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो हाई प्रोफाइल और हॉट सीट होने वाली है कन्नौज की सीट अखिलेश यादव की एंट्री के बाद, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की हॉट सीट के साथ ही साथ मुकाबला भी यहां पर दिलचस्प होगा। जनता की अगर बात करें तो जनता के सामने किस तरह की प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ सकती है रमन? बिल्कुल, जनता आपको बता दें कि जैसा कि माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी काफी दिनों से वहां पर एक्टिव है, कई बार वहां के सपा के सांसद रहे। जी बिल्कुल रमन, आप यहां पर रमन आपके पास वापस लौट कर आते हैं, हमारे साथ बीजेपी से सांसद दिनेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, इंडिया वॉइस में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और कन्नौज की सीट को लेकर लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी में घमासान छिड़ा हुआ था लेकिन अब अखिलेश यादव मैदान में है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो लड़ने की हिम्मत जुटा पाएंगे कन्नौज से। कन्नौज में जो हमारे सांसद हैं सुब्रत पाठक जी, उनको जितना उन्होंने वहां पर काम किया है और जितना वो पॉपुलर हैं उसको देखते हुए मुझे आज भी भले उनके वहां कोई घोषणा हुई हो जैसा आप कह रही हैं जी, लेकिन मैं दावा ये कह सकता हूं कि आप नामांकन तक देख लीजिएगा, अखिलेश जी वहां पर से नामांकन नहीं करेंगे। दिनेश जी, रामगोपाल यादव का बयान आ चुका है व्यक्ति को, क्योंकि ये वहां लाखों की जीत होगी
एक तो मोदी मैजिक चल रहा है मोदी जी के कार्य, और दूसरा स्थानीय स्तर पर सुब्रत पाठक की लोकप्रियता। तो मैं समझता हूं कि ये हॉट सीट नहीं होगी, ये सपा के लिए बिल्कुल ठंडी सीट होगी जी। लेकिन दिनेश जी, रामगोपाल यादव का बयान सामने आ चुका है, उन्होंने समय दिया है 12 बजे कल अखिलेश नामांकन करने जा रहे हैं कन्नौज से। हाँ दिया है, तो मैं यही कह सकता हूं कि निश्चित रूप में एक समाजवादी पार्टी को एक बड़ी हार के लिए तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, और 12 बजे ही सुनिश्चित हो जाएगा कि ये बीजेपी की सीट है। और कन्नौज में विजय पताका पहले आदरणीय डिंपल जी ने हार का रिकॉर्ड बनाया है कन्नौज में ही, अब पतिदेव के रूप में आदरणीय अखिलेश जी हारने की तैयारी करेंगे। जी जी, अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इंडिया वॉइस से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच बीजेपी के विधायक दिनेश शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि हॉट सीट कन्नौज को वो नहीं मानते हैं, ना ही इस तौर पर उसे देखते हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि अखिलेश यादव के आने के बाद भी उस सीट पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक ने काम किया है, ऐसे में इस सीट को दिनेश शर्मा हॉट सीट नहीं मानते। और इसी बीच हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विधायक अखिलेश यादव भी जुड़ चुके हैं। जय अखिलेश जी, दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, साफ तौर पर उनका कहना है कि हॉट सीट वो इसे नहीं मानते हैं, चाहे कोई भी मैदान में आ जाए। हेलो जी अखिलेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय का स्वागत करता हूँ जी, और उन्होंने जनता के हक में फैसला लिया है और देश हित में फैसला लिया है, और राष्ट्रीय राजनीति में उनके अहम रोल की आवश्यकता महसूस हो रही थी, तो पार्लियामेंट का कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। जहाँ तक शर्मा जी को डिंपल जी के पिछली बार चुनाव हारने का गम है, तो इस बार वह गम दूर किया जाएगा और रिजल्ट जब सामने आएगा तो पता चलेगा, अभी उनकी बातों का हमारे पास कोई जवाब नहीं। लेकिन अखिलेश जी, बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक भी अखिलेश यादव जी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहना है आपको? सुब्रत पाठक को चुनौती देने की आदत है, भाजपा के लोग आगे बढ़कर के मोरला करते हैं, वो बेचारे मोर रहे हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं, सुब्रत पाठक जी लड़ाई से बाहर हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम आने के बाद से कोई वहां टिक नहीं सकता। तो आपका कहना है कि एक तरफा जीत मिलेगी आपको? लंबे अंतराल से समाजवादी पार्टी वहां चुनाव जीतेगी, गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। अच्छा, लेकिन ये बताइएगा अखिलेश जी, अगर अखिलेश जी का नाम ही सामने आना था तो फिर तेज प्रताप यादव के नाम के ऐलान की जरूरत क्यों पड़ी समाजवादी पार्टी को, या इसके पीछे क्या रणनीति है? उम्मीदवारों के नाम का नामांकन से पहले तक उस पर चर्चा होती रहती है और हर दृष्टिकोण से विचार किया जाता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। लोग ये चाहते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़े तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम फाइनल नहीं, लेकिन जिस सीट पर सपा सुप्रीमो को चुनाव लड़ना है वहां तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए ना मैडम? कोई न कंफ्यूजन है और न कहीं से कोई परेशानी दिक्कत है, न कोई कंफ्यूजन पैदा करने की आवश्यकता है। वहाँ सीधे सीधे कन्नौज समाजवादियों की धरती है, वहाँ से राम मनोहर लोहिया जी चुनाव जीत चुके हैं, माननीय नेताजी जीत चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 3-3 बार रहे, डिंपल जी रही हैं, वो समाजवादियों की धरती है। एक बार भाई दबे मौका मिल गया भाजपा को, तो वो क्या बोलते हैं, घमंड में चूर है पाठक जी, घमंड में चूर है, एक बार मौका मिल गया तो। अच्छा, तो आपके लिए ये हॉट सीट है कि नहीं है? दिनेश शर्मा जी के लिए तो नहीं है, आपके लिए है कि नहीं है? आपके लिए कन्नौज की सीट हॉट सीट है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई हॉट सीट नहीं है, समाजवादियों की धरती, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वहां से चुनाव जीतना सुनिश्चित है। इसके बाद तेज प्रताप यादव के लिए क्या किसी दूसरी सीट से ऐलान किया जाएगा या फिर चुनावी मैदान से बाहर हो जाएंगे? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है कि तेज प्रताप यादव का कहां उपयोग होगा, वो भी हमारे दल में है, उनका भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे एडजस्टमेंट, ऐसी क्या बात है। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव जी ठीक है कन्नौज सीट पर मान भी लिया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी में जिस तरह से इस बार के चुनाव में लगभग हर सीट पर, चाहे फिर रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, तमाम सीटों पर एक नहीं दो नहीं 3-3 बार प्रत्याशियों के नामों का बदलाव किया गया, ये आप ठीक कह रहे हैं कि चर्चा चलती रहती है, लेकिन चर्चा के बाद नाम का ऐलान जब होता है तो आपको नहीं लगता कि पार्टी स्तर पर चर्चा हो जानी चाहिए और उसके बाद नाम का ऐलान हो तो जनता के सामने अच्छी छवि पेश होती है? ये सारी चीजें बोगस हैं, राजनीति में इन चीजों का कोई महत्व नहीं है, अंतिम समय तक कैंडिडेट पर विचार किया जाता है जी। अखिलेश जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ जी
आप बने रहिएगा हमारे साथ बीजेपी से विधायक भी रमेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। रमेश जी स्वागत है आपका। अखिलेश जी यहाँ पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक बने हुए हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये फैसला सराहनीय है और उनके सामने आने के बाद इस सीट पर समाजवादी पार्टी को एक तरफा जीत मिल रही है, कहीं कोई मैदान में नहीं है। नमस्कार प्रियंका जी, ये तो बहुत ही मजाक वाली बात हो गई। आज समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो मजाक के पात्र बन गए हैं और जिस प्रकार से निरंतर टिकट बदले जा रहे हैं, आज मतलब प्रत्याशी को ये गारंटी नहीं है कि वो सुरक्षित नहीं कि वो चुनाव लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चलिए अखिलेश जी ने अंत में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और कन्नौज से लड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। और मुझे तो पूर्ण रूप से विश्वास है कि आने वाले समय में कन्नौज में सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल खिलेगा। अच्छा ठीक है, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि एक तरफा वो जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं कमल का फूल खिल रहा है, मुकाबला कांटे का है, आप ये मान रहे हैं कि आप भी नहीं मान रहे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ प्रियंका जी की वहाँ कोई मुकाबला होगा, क्योंकि वहाँ मोदी जी की गारंटी चल रही है। वहाँ पहले उत्तर प्रदेश जो एक माफिया प्रदेश के रूप में जाना जाता था, अच्छा मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है वहाँ। आज अपराध मुक्त प्रदेश आज उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है, एक्सप्रेस वे के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। आज जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ धरातल पे आप प्रियंका जी देखिए आज आम जनमानस को मिल रहा है। पहले की सरकारों में सिर्फ ये कागज तक सीमित रह जाते थे और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और लूट पहले की सरकारों में हुई है वो आज आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारे सुब्रत पाठक जी वहाँ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश जी क्या कहना है इस पर आपका? अखिलेश जी अच्छा किया इन्होंने स्वागत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव लड़ने का और यह भी सही है कि वहाँ एक तरफा लड़ाई है, कोई दूसरा मैदान में नहीं है। यहाँ तक इन्होंने तमाम जो आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार का, तो सारे भ्रष्टाचारियों को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में भर्ती कर लिया तो भ्रष्टाचार दिखाई कहाँ से देगा। दूसरी बात जो मोदी जी की बार बार गारंटी की बात आती है, देश की जनता गारंटी जिन मुद्दों पर चाहती है उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री जी को बेरोजगारी दूर करने की गारंटी देना चाहिए, महंगाई कम करने की गारंटी देना चाहिए, संविधान और लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की गारंटी देना चाहिए, इस पर कोई बात नहीं करते। तो प्रधानमंत्री जी जो जमीनी हकीकत है, जो मुद्दे हैं आज की तारीख में चुनाव के, उस पर कोई चर्चा नहीं करते, न भारतीय जनता पार्टी करती है। ये सब बोगस बातें हैं, निश्चित तौर पर वहाँ लंबे अंतराल से समाजवादी पार्टी चुनाव जीते। रमेश सिंह जी मैं अब आपको प्रियंका जी क्या बताऊं, शायद हमारे भाई साहब को ये पता नहीं है कि जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अपना महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ 2017 से उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है, मैं तो अभी 2022 में मैं विधायक बना हूँ, लेकिन जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आपने देखा होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो आयोजित किया गया था उसमें करीबन 40 लाख करोड़ रुपए का कुल मिलाकर। ठीक है रमेश सिंह जी, आपके अपने दावे हैं, समाजवादी पार्टी अपने दावे कर रही है, आप लोग भले ही मुकाबला माने या ना माने लेकिन जनता के लिए वहां मुकाबला जरूर है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया वॉइस से जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से कन्नौज की सीट को लेकर अब बयान सामने आया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, अब ये साफ हो चुका है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज के चुनावी मैदान से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, कल 12 बजे नामांकन करते हुए नजर आएंगे। अब ये देखना होगा कि सपा सुप्रीमो के कन्नौज की धरती पर उतरने के बाद किस तरह का मुकाबला जनता के बीच देखने को मिलता है और साथ ही साथ क्या नतीजा निकल कर आता है। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में इतने ही, खबरों के बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।